एमपी के रीवा जिले के सुहागी पुलिस ने 5.25 लाख रुपए का 52 किलोग्राम गांजा सुहागी पुलिस ने कार से जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि मुखबिर से नशे की तस्करी के संबंध में सूचना आई, जिस पर सुहागी पुलिस ने कार्यवाही की। लग्जरी कार के माध्यम से उड़ीसा से लोड हुई ये कार एमपी के रीवा जिले सुहागी मार्ग से प्रयागराज जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की और इस कार्यवाही के बाद हड़कंप मच गया। सुहागी थाना क्षेत्र में एक मुखबिर सूचना मिली थी कि एक गाड़ी टाटा इंडिका विस्टा खड़ी है और संभावित है कि उसमें कुछ अवैध एनडीपीएस यानी गांजा वगैरह उसमें है, और जिसके आधार पर तत्काल वहां पे घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया, रोका गया गाड़ी को। तो उसमें हमको एक व्यक्ति और उसके साथ वो पूरी गाड़ी में जो था अवैध एनडीपीएस यानी गांजा मिला उसमें, और करीब उससे हमको 52 किलो 500 ग्राम गांजा इसमें मिला है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।